जब से शनि महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है तब से कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातकों को हर तरफ एक ही बात सुनने को मिली कि शनि देव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश करने के पश्चात कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ी खुशियां, बहुत बड़े बदलाव लाकर खड़े करेंगे। किंतु आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा देखने को मिला ही नहीं। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है वो भी बताऊंगा। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर 2023 से 2025 की गतिविधि में आपको शुभ फल दे भी पाएंगे या फिर बेफिजूली में कर रहे हैं आप इंतजार, और ऐसे क्या उपाय किए जाएं जहां मूल त्रिकोण राशि में बैठकर शनि देव करे आपकी हर मुराद पूरी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए शनि देव का राशि परिवर्तन जो हुआ है ये किस प्रकार प्रभाव आपके जीवन में बना कर देगा। शनि महाराज आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, षष्ठम भाव के स्वामी हैं, ये एक मूल त्रिकोण राशि है और साथ में ही यहाँ पर शनि महाराज आकर विराजित हो गए हैं। जब भी कोई ग्रह अपने लग्न से छठवें, आठवें या बारहवें घर में चला जाता है सबसे पहले तो वो अपनी शुद्धता को खो देता है। अगर इस शनि पर विपरीत राजयोग की कंडीशन लागू होगी, अर्थात आपकी कुंडली में बुध महाराज एक अच्छे भाव में होंगे, तब तो आपके लिए 17 जनवरी के पश्चात शनि महाराज की एक गोचरीय अवस्था शुभ फल देना प्रारंभ कर चुकी है। किंतु जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज लग्न से छठवें, आठवें, बारहवें घर में विराजित हैं पहले से ही और बुध देव भी कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं, इन्हें शनि महाराज इस स्थान पर बैठकर शुभ फल नहीं दे पाएंगे। किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे? तो जॉब में समस्या, स्वास्थ्य के अंदर उतार चढ़ाव का योग बनकर आना, इसी के साथ में आपके बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, जो एप्रिसिएशन आपको मिलने चाहिए उसमें कमी देखने को मिल रही है, कोई कर्ज लोन इस प्रकार की स्थितियां एक्टिवेशन में आ रही है। यहां से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं या आपके अष्टम भाव पर, इस अवस्था के अंदर हर कार्य में रुकावटें, जो हम सोच रहे हैं बड़ी आसानी से हो जाएगा उसमें डिले आ रहा है, बनते बनते कार्य बार बार 99 तक जाते हो फिर वो कार्य रुक जाता है, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन देखने की स्थिति को क्रिएट होता हुआ देख पा रहे हो। यहां से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जा रही है, यहां से फिजूल के खर्चे क्रिएट हो रहे हैं, आपके स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थितियां बन रही हैं, सेविंग नाम के ऊपर बिल्कुल नील बटा सन्नाटा जैसी कंडीशन बनी हुई है। 8, 9, 10 दसवीं दृष्टि जो शनि महाराज की जा रही है ये पराक्रम भाव पर जा रही है और आप देख पा रहे होंगे आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसके परिणाम आपके लिए निकल कर आ ही नहीं पा रहे। जो एक्सपेक्टेशन हमारी मेहनत के अनुसार बनी हुई है वो अवस्था कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर में जा रही है। तो अब ऐसा क्या किया जाए जो शनि महाराज आपके लिए षष्टम भाव में बैठकर भी दे आपको मन चाहा वरदान। बहुत बारीकी से समझिएगा इसे, यदि आपने समझ लिया 2023 से 2025 की गतिविधि में वो सब कुछ शनि महाराज आपको इसी स्थान पर बैठकर दे देंगे, क्योंकि ये बात मत भूलिए कि ये आपके एक त्रिकोण भाव के स्वामी भी हैं, आकस्मिक लाभ भाव के स्वामी भी हैं, बस शनि को समझना बहुत जरूरी है। शनि क्या है? तो ये न्याय प्रिय ग्रह है, आपके कर्मों के आधार पर फल देने की बाध्यता इस ग्रह के पास होती है। यदि आप किसी के साथ छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, अपने से नीचे लोगों के दर्जों के व्यक्तियों के साथ हास्यप्रद अवस्था, उनकी मजाक उड़ाना, उनको कुछ ना समझना, इस प्रकार की गति में लिप्त हैं, तो इस स्थान पर बैठकर शनि महाराज एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा जैसा प्रभाव आपके लिए क्रिएट करते हुए पाए जाते हैं। तो अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तुरंत रूप से इसे छोड़ दीजिए। दूसरी अवस्था में ऐसा क्या प्रयोजन करना चाहिए ताकि आपको शनि महाराज दे पाए मन चाहा वरदान? ओम शन शनेश्वराय नमः का जाप करना प्रारंभ कीजिए, बेहद अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करना प्रारंभ करो, बेहद अच्छी स्थिति निकल कर आती है।
ध्यान ये रहे कि शनि चालीसा का पाठ और ओम शन शनश्चराय नमः का जो जाप है ये शाम के समय में करना है आपको सूर्य अस्त होने के पश्चात। असहाय व्यक्तियों की किसी भी स्वरूप में यदि कोई सहायता कर सकते हो जरूर से कीजिए। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु, कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी अगर आप दे देते हैं तो फिर से दोहरा रहा हूं, ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। किसी भी प्रकार से आपको आकस्मिक लाभ की गतिविधियां बनाकर चीजों को बहुत संतुलन आपके जीवन में बनाकर दे देंगे, जो हर तरीके से देगा आपको सफलता। 17 जून को ये वक्र गति में भी आ रहे हैं, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद अच्छा लाभ देते हुए पाए जाएंगे 140 दिनों तक। 17 जून से 140 दिनों की स्थिति का योग बहुत अच्छा रहेगा, उसका एक अलग कार्यक्रम आपको बनाकर दूंगा, इसे जरूर से देखिएगा। आपके लिए आने वाले 140 दिन 17 जून से किस प्रकार की गतिविधि बनाएंगे उसे भी यदि आपने समझ लिया तो 140 दिनों के अंदर ही आप कर सकते हैं अपनी काया पलट। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय शनिदेव।